बस अब आज के बाद इस घर में नूरुल आईन का जिक्र नहीं होगा, समझी तुम? खैर, मैं सोच रही हूँ आसिफा और साजिद की तरफ हुआ हूं। तुम चलोगी मेरे साथ? खैरियत? तैनियत बोलो। नूरुलैन, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं। ऊपर से मुंतजा को देखा है? मुझे तो उससे उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह बिहेव करेगा। अरे मेरी बात समझना तो दूर की बात, वो बात समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। नूरुलैन, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअली यू आर राइट, मैं खुद भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऑफिस आ तो गई हूँ लेकिन बिल्कुल भी काम में दिल नहीं लग रहा है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें 4 o'clock पिक करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। ओके, सी यू। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुर्तजा बहुत अपसेट है अम्मी, आज सुबह उसने नाश्ता भी नहीं किया, चाय के 2-3 घूंट पिए और वो भी छोड़ दी। बज़ाहिर मजबूत दिखने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है वो। मामूली पत्थरों के लुढ़कने से पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं करते, तुम परेशान मत हो। मौसम बदलता है तो बीमारी आ जाती है, लेकिन बीमारी इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि नूरुलैन और मुर्तजा का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। बस अब आज के बाद इस घर में नूरुलैन का जिक्र नहीं होगा, समझी तुम? खैर, मैं सोच रही हूँ आसिफा और साजिद की तरफ हुआ हूं। तुम चलोगी मेरे साथ? खैरियत, कोई खास बात है क्या? आम बात को खास बनाने में क्या मुश्किल है, चल रही हो मेरे साथ? अम्मी, जो मैं सोच रही हूं कहीं वैसा तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।